आज ये लोगों के बीच में गुस्सा है, नाराजगी है, रोष है इस बात को लेकर कि यहां सिर्फ एक जाति विशेष की सरकार चल रही है, ठाकुरों की सरकार चल रही है, इस बात को लेकर लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। और मैंने योगी जी से कहा कि आप ठाकुरों के नेता हैं, ठाकुरों के लिए काम करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन अन्य जातियों के मन में गुस्सा और रोष, नाराजगी आपकी सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई 24 करोड़ लोगों की सरकार है, ये किसी जाति विशेष की सरकार नहीं है। ब्राह्मणों के ऊपर अन्याय और अत्याचार, मौर्य हो, राजभर हो, पाल हो, निषाद हो, बिंद हो, कुर्मी हो, लोध हो, यादव हो, सोनकर हो, प्रजापति हो, विश्वकर्मा हो, कश्यप हो, राजभर हो, वाल्मीकि समाज के लोग हो, जाटो समाज के लोग हो, जहां आप चले जाइए सबके मन में एक गुस्सा है, नाराजगी है कि उत्तर प्रदेश में जाति विशेष की सरकार चल रही है। और मुझे खुशी है इस बात की, प्रसन्नता है इस बात की कि मेरे इस बयान को, मेरी इस बात को समाज के लोगों का समर्थन मिल रहा है, अलग अलग राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है, और इसके साथ साथ योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी मेरे बयान को समर्थन मिल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक और मंत्री इस बात से प्रसन्न है कि मैंने सच्चाई बोला है, सच्चाई को उजागर किया है। सब लोग खुश हैं इस बात से कि मैंने सच का आईना सरकार को दिखाने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मैं पूछना चाहता हूं योगी जी, मेरे बयान के बाद एक भी सरकार का मंत्री और विधायक आपके समर्थन में नहीं खड़ा हुआ? दुबे जी जो हमारे यहाँ के विधायक है सुल्तानपुर से भारतीय जनता पार्टी के, उमेश द्विवेदी जी जो MLC है भारतीय जनता पार्टी के, क्या उनके ऊपर आप FIR करा के उनको भी अंदर करेंगे? मेरे ऊपर आपने 9 FIR करा दी, मेरे बयान से सब खुश हैं, सिर्फ योगी जी नाराज हैं। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, आपने मेरे ऊपर तो 9 FIR करा दी, लेकिन देवमणि दुबे जी ने जो सवाल पूछा है, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जिन्होंने कहा है ब्राह्मणों पे कितने अन्याय हुए, कितने अत्याचार हुए, कितने हत्या की घटनाएं हुई, कितने उनके साथ मारकाट की घटनाएं हुई, क्या उनके द्वारा भी सवाल उठाया जाना जुर्म है, अपराध है? क्या उनको भी आप FIR करके जेल में डालेंगे? मैं पूछना चाहता हूं उमेश द्विवेदी जी जो MLC है भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का जीवन बीमा होगा, ये मेरे आरोपों की पुष्टि है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के विधायक मानते हैं कि ब्राह्मणों का जीवन खतरे में है, इसलिए उनके जीवन बीमा होगा। गंभीर कोरोना के संकट से जूझ रहा है, लगभग 5,000 प्रतिदिन कोरोना के केसेस आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पर 2 कैबिनेट मंत्रियों की जान जा चुकी है। योगी जी आपने टीम 11 बनाई, उस टीम 11 में एक डॉक्टर नहीं, एक एक्सपर्ट नहीं, एक महामारी के से कैसे लड़ना इसका जानकार नहीं। टीम 11 क्रिकेट खेलने के लिए बनाई है या कोरोना से लड़ने के लिए बनाई है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने देखा और मुझे देखकर दुख हुआ कि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी पर आप एक महत्वपूर्ण बैठक ले रहे थे योगी जी, आपका प्रमुख सचिव SP गोयल बैठ के वहां वीडियो गेम खेल रहा था। इसे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन को लेकर आप कितना चिंतित हैं और क्या आपकी सरकार कर रही है। उस टीम 11 में स्वास्थ्य मंत्री नहीं, उस टीम 11 के अंदर न डॉक्टर, न कोई एक्सपर्ट, न कोई विपक्ष की राय,